तो अगर आपने इंडिया में ये Redmi Note 5 Pro खरीदा है और आपने ये फोन सिर्फ रोम फ्लैश करने के लिए खरीदा है तो आपकी तो बस लग गई है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। मैं हूँ डीटो KDN Tech से, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये वीडियो कुछ अलग तरीके का होगा क्योंकि मैं इसके बूटलोडर के बारे में फिर से बात करूंगा। मैंने पहली बार जो बात किया था वो 86006 एरर के बारे में। यहाँ पर एक कार्ड है, वो एक रैंड की तरह हो गया था, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और मैं दो रोम फ्लैश किया था कुछ दिनों पहले Redmi Note 3 में, AOSP रोम एंड लेटेस्ट बिल्ड ऑफ रिसरेक्शन रिमिक्स, एंड आज मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को ताकि आपको Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 3 के बारे में कुछ रॉम्स या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह का वीडियो मिलते रहे। तो इस Redmi Note 5 Pro के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ, इसके बूटलोडर के बारे में, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक इसका बूटलोडर अनलॉक नहीं किया है। लास्ट महीने की 25 तारीख को मैं ये फ़ोन ख़रीदा था, अभी तक ये बूटलोडर अनलॉक नहीं हुआ। कोई लोगों का जो 6GB वेरिएंट है, उन लोगों का बूटलोडर मैंने सुना है कि अनलॉक हो रहा है। हमारे एक टेलीग्राम के ग्रुप भी है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और कई लिंक्स जो मैं इस वीडियो में बातें करूँगा उसका भी लिंक्स दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। तो जो मुझे बातें करना है, इसका बूटलोडर को लेके एक change.org में एक पिटीशन भी निकल चुका है। वहाँ पर मैंने लास्ट टाइम जब देखा था 94 पीपल आर देयर, एंड वो लोग पिटीशन को साइन कर चुके हैं इसके बूटलोडर की अनलॉक करने के बारे में। वो 86006 एरर आ रहा है कि अगर आप डेवलपर ऑप्शन में ऐड अकाउंट करना चाहते हैं तो 86006 एरर दिखाता है, और उसके सिवा अगर आप MI अनलॉक टूल यूज़ करते हैं PC में तो उसमें दिखाता है अकाउंट इज नॉट बाउंड टू दिस डिवाइस। तो ये बहुत ही बुरी बात है हमारे लिए क्योंकि हम कस्टम रॉम्स यूज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि कस्टम रॉम्स नहीं फ्लैश कर पा रहे हैं। इवन मुझे नहीं पता अगर आप देख सकते हैं या फिर नहीं, मेरा प्राइमरी सिम अभी Redmi Note 5 Pro में नहीं है, मेरा प्राइमरी सिम है इस Redmi Note 3 में। तो मैं ये MIUI अभी के लिए तो और नहीं सहन कर सकता भाई। मैं तो Redmi Note 3 में नाइट्रोजन OS में बैक हूँ, वही यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो जिसके बारे में बातें कर रहा था, change.org में एक पिटीशन है, आप उसको साइन कर दीजिए। वहाँ पर मुझे नहीं पता ये कोई फ़र्क पड़ेगा कि ये नहीं ऑफिशियली, बट साइन करने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा, तो साइन कर दीजिए आपका भी अगर बूटलोडर अनलॉक नहीं हो रहा। और हमारे पास एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है 86006 एरर, एंड अगर आप ट्विटर पे जाते हैं और सर्च करते हैं #ShawmiError86006, एंड वहाँ पर आपको मिल जाएगा कई सारे ट्वीट्स इन सब के बारे में, इन बूटलोडर के इश्यूज़ के बारे में, तो मैं सबका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिए। तो ये बस ठीक नहीं हो रहा, और Xiaomi को हम लोग कॉन्टैक्ट किया था, वो Xiaomi का ट्विटर पेज को, Xiaomi का फेसबुक पेज को, Xiaomi की कस्टमर सर्विस को, तो कुछ Xiaomi के कस्टमर केयर वाले से बात किया था हमने। कोई कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं कि वो ये इशू फॉरवर्ड कर दिया है डेवलपमेंट टीम में, वो काम कर रहा है। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसका बूटलोडर के बारे में बात करना कस्टमर से उन लोगों का अलाउड नहीं है। मतलब ये क्या है, मुझे नहीं पता ये कैसे हैंडल करते हैं ये सब। अभी करीब करीब इस फ़ोन को लॉन्च करते हुए 2 महीने या उससे ज़्यादा हो गया है, और अभी के लिए Redmi Note 5 Pro के लिए ये सिर्फ इंडियन यूनिट्स के लिए हो रहा है ये प्रॉब्लम। और कुछ महीने पहले, लाइक 3-4 महीने पहले से मैंने देखा था कि यही प्रॉब्लम कुछ और फोन्स के लिए भी आ रहा था, मुझे याद नहीं कुछ फोन्स के बारे में। मैं सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और MIUI फोरम में भी सारे लोग यही पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि 86006 एरर आ रहा है, बहुत सारे थ्रेड्स हैं, लेकिन सब लोग यही कर रहे हैं फिक्स हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन कब फिक्स होगा कोई बोल नहीं रहा, यही मेरा प्रॉब्लम है। बस बता दो भाई, 1 महीने 2 महीने 3 महीने कब तक लगेगा ये सिर्फ बता दो तो भी हो जाएगा। तो आप शायद मुझसे पूछेंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बार बार इसी बारे में रेंट कर रहा हूँ क्यों। वेल, हम लोग ने ये फ़ोन ऐसे ही दुकान में जाके पैसा देके नहीं ख़रीदा है, हमने पैसा भी दिया और फिर वेट भी किया। मैंने ये फ़ोन 5 वीक ट्राई करने के बाद मुझे मिला, और वहाँ ऐसा भी लोग हैं कि अभी तक उन लोगों को ये फ़ोन नहीं मिल रहा है,
वो कार्ड में पैसा लेके बैठे लेकिन बुक नहीं कर पा रहा है ये फ़ोन। तो अगर आप ऐसे ही ये फ़ोन सेल करोगे तो आपको कुछ तो सर्विस देना पड़ेगा भाई। हम लोग हर एक वीक इस फ़ोन को बुक करने के लिए वेट करते हैं, फिर हमको जब ये फ़ोन मिलता है तब हम देखते हैं कि हम इस फ़ोन को कस्टम रॉम नहीं फ्लैश कर सकते इस फ़ोन पे। वो मेरे ओपिनियन में बहुत बुरी चीज़ है। मैंने खुद Xiaomi का Redmi 1S खरीदा, Redmi Note 3 खरीदा, Redmi 4 खरीदा, Redmi Note 5 Pro खरीदा। अभी मेरा ओपिनियन है कि ये अनलॉक प्रोसेस नहीं रहना चाहिए भाई। कई और कोई भी कंपनी देख लो, लाइक OnePlus और Motorola और LG और Samsung, वहाँ पर बूटलोडर अनलॉक का बहुत इजी प्रोसेस है। इससे तो इजी ही होगा भाई। वहाँ पर अब आपको सिर्फ ADB ड्राइवर्स डाउनलोड करने हैं, वहाँ पर जाके कोई बूटलोडर अनलॉक गो लिखना है, बस बूटलोडर अनलॉक हो जाता है। 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है मैक्सिमम, पर यहाँ पर 1 महीना 2 महीना 3 महीना कब होगा किसी को नहीं पता। यही मेरे ओपिनियन में बहुत ख़राब चीज़ है। कोई ETA नहीं है, ये ठीक नहीं है मेरे ओपिनियन में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हमें पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा। तो चलो इसके बूटलोडर के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं Redmi Note 3 के बारे में, वो जो 2 ROMs के बारे में मैंने बात किया था, और वो जो AOSP ROM है उसका मैंने 2-3 बार फ्लैश किया था। वो कौन सी डेवलपर की है मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसका मैंने 2-3 बार पहले फ्लैश किया था, वो बिल्कुल बूट नहीं हो रहा था, बस बूट लूप हो रहा था या बट लास्ट बिल्ड में वो बूट हुआ। और मैंने जो देखा ROM भी काफ़ी स्टेबल है मेरे ओपिनियन में, एंड वो ROM टोटली ऑपोजिट है MIUI के। MIUI में बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं, MIUI एक बिल्कुल अलग स्किन है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है। बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड है, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, तो बिल्कुल वैनिला एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको जो चाहिए तो आप वो ROM फ्लैश कर सकते हैं। वो AOSP ROM मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे दूंगा, उसके जो बिल्ड मैंने फ्लैश किया था। तो उसमें बस मैं एक ही फीचर देखा था, अगर आप उसके होम स्क्रीन में किसी भी ब्लैंक एरिया में डबल टैप करते हैं तो वो स्लीप मोड में चला जाता है, और मुझे लगता है कि स्टेटस बार में भी स्लीप मोड में जाता है डबल टैप करने से। सो वही है। और अब बात करते हैं Resurrection Remix में। वो लास्ट बिल्ड जो Resurrection Remix का मैंने फ्लैश किया था वो बिल्कुल पहले का बिल्ड की तरह था, और ये रीड मोड अभी तक काम नहीं कर रहा स्टॉक कर्नल में। ये बात मुझे समझ नहीं आती यार, क्यों नहीं काम कर रहा है ये रीड मोड अभी तक। सारे ऑडियो रॉम्स में ये रीड मोड काम कर रहा है लगभग, नाइट्रोजन ओएस में सब कुछ काम करता है, बट Resurrection Remix में स्टॉक कर्नल से ये रीड मोड काम नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। हाँ मुझे पता है अग्नि कर्नल वगैरह से काम कर रहा होगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, पर मैं कस्टम कर्नल्स फ्लैश नहीं करता क्योंकि उससे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चांसेस है डिवाइस डैमेज होने में, तो वैसा ही है। और अगर आपको कुछ सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मैं हूँ टीटो KTN Tech से, और मैं आपसे बातें करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।